दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोनू गुप्ता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने मीरगंज दर्शन नाम से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मेरा मकसद है कि हम बरेली जनपद के इस मीरगंज कस्बे में जो रह रहे हैं, कि हमें पता हो कि मीरगंज क्या है, कस्बा है, या इसके बारे में मैं आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बहुत समय पहले जो हमारा मीरगंज था, ये इसका नाम मीरगंज नहीं था। पहले क्या था, पहले यहाँ पर दो ग्राम पंचायतें थी। रोड के उस पार एक मुगरा पंचायत हुआ करती थी और रोड के इस पार जो हुआ करती थी वो बनैया हुआ करती थी। बिहार से एक बहुत बड़े हम सूफी संत कहें या हम फ्रीडम फाइटर कहें, स्वतंत्रता सेनानी कहें, एक जनाब थे जिन जनाब का नाम था मीर खां बावर। मीर खां जो बावर साहब थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे, आज भी बहुत बड़ी हस्ती है। जंग आज़ादी में उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मीरगंज में भी दोस्तों मैं बताता चलूँ कि जिस समय अंग्रेजी हुकूमत से, ब्रिटानिया हुकूमत से जब जंग आज़ादी का काम चल रहा था, तो उस समय मीर खां बावर साहब ने भी अपने बहुत से हकीकतमंदों के साथ में मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने की मुहिम चलाई थी। और उसी मुहिम की बदौलत हमेशा यहाँ के लोगों के लिए वो प्रिय रहे। इस समय हम जो खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम है मीरगंज की जामा मस्जिद। ये मीरगंज की एक जामा मस्जिद है और यहीं पर मीर खां बावर साहब की मजार है। ये वही मीर खां बावर साहब हैं जिनके नाम पे हमारे इस कस्बे का नाम मीरगंज पड़ा है। एक्चुअली हुआ यह था कि जिस समय जंग आज़ादी चल रही थी, तो उस समय पटना में एक झगड़ा चल रहा था, इन्हें बाहर खदेड़ने की नीयत से युद्ध चल रहा था। तो उस युद्ध में हमारे मीर खां बावर साहब थे, वो एक हथनी में बैठे हुए थे और उस हथनी पर बैठ के अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। वक्त शायद हमारे साथ नहीं था, वक्त इनके विपरीत था कि किसी अंग्रेज ने इनकी गर्दन को काट लिया। ये जिस हथनी पे सवार थे, वो इनकी वफादार हथनी थी। लोगों का कहना यह है, जब मैंने यहाँ पर आसपास इस जामा मस्जिद आसपास लोगों से मैंने मालूमात की, तो मुझे बताया लोगों ने कि इनकी जो हथनी थी वो इतनी ज़्यादा वफादार थी कि इनका सर तो अंग्रेजों ने काट कर वहीं गिर गया, लेकिन धड़ को लेकर हथनी वहाँ से शाम के पटना बिहार से चली थी शाम के 4 बजे और सुबह होते होते यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, चूँकि यहाँ के लोग उनके यहाँ पर हकीकत में बहुत थे, उनको प्यार करने वाले बहुत लोग थे, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, उनके धड़ को यहाँ दफन कर दिया। इनका जो सर है वो वहीं पर दफन है और जहाँ इनका धड़ दफन है, इनके बगल में ही क्या है, वो प्यारी हथनी जो इतना लंबा सफ़र तय करके आई थी, वो भी पर नहीं बची। उसने भी यहाँ आने के बाद क्या किया, अपना दम तोड़ दिया था। ये तो भारत में दो मीरगंज हैं और दोनों मीरगंज का नाम मीर खां बावर साहब के नाम पे है। तो हमारे साथ एक मेहमान है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना परिचय दें। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हबीब चिश्ती और आज मैं जो यहाँ मौजूद हूँ, जो लिबास मैंने पहना है, ये हज़रत मीर खां बावर रहमतुल्लाह अलैह की देन है जी। इन्हीं की बदौलत इन्होंने बचपन में मुझे बड़ी मोहब्बत से गोदों में खिलाया, बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया और हमारा पूरा परिवार, हमारा ख़ानदान अगर आज है, इन्हीं की नजरानी में अल्लाह ने इन्हीं की निगरानी में रखा और हम पर करम किया, अल्लाह ने हमें मदद दी। ये नाम को, इस नाम का जो मीर खां बावर, इनका जो मुकाम है, ये शहीद हैं, इनका मुकाम बहुत बुलंद है और हज़रत इमाम हुसैन के बहुत प्यार करते हैं हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत गरीब नवाज, हज़रत ख्वाजा हसन मुनद्दीन चिश्ती आज मेरे वाले बहुत प्यार करते हैं, उनका कहना भी मानते हैं, इनकी दुआएं भी सुनते हैं। इनका मुकाम बहुत बुलंद है, पटना शरीफ में एक इनका मज़ार है, एक मज़ार इनका लंशा बावर जो इलाहाबाद में है,
जब अंग्रेजों का दौर था तो वहाँ पे इनका एक मज़ार है और एक मज़ार यहाँ है जिसे उनको लंचा बाबर के नाम से जानते हैं, यहाँ मीखा बाबर के नाम से जानते हैं। और इतने जलाली हैं कि अगर जलाल में आ जाए तो अच्छे को सीधा कर दें। जब यहाँ दुश्मन दीन ने हमला किया तो आपका ही ये बदला है, जाज मीरज मौजूद है यहाँ और ईमान वाले हैं, आपने की करामत वो हुई कि तमाम इनको फौज उन लोगों को दिखाई दी और यहाँ से भाग गए और आप शहीद हुए थे। आपके साथ 12,000 फौज इनके साथ रहती जिधर से गुजरते हैं, बहुत रहमत भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, जलाल भी करते हैं। इसलिए बेपनाह जो इनसे मोहब्बत करेगा नबी उससे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि नबी के बहुत प्यारे हैं ये, हजरत इमाम हुसैन के बहुत प्यारे हैं। और मेरा नाम है मोहम्मद हबीब चिश्ती। ये मुझे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा यहाँ शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि हमारे दादा, हमारे वालिद और हम पर इन्हीं का खास करम रहा। जिस रास्ते से गुजरे हर जगह हमारी सेफ्टी की इन्होंने, हर जगह हमें बचाया, हर जगह अल्लाह से दुआएं की, हमें महफूज रखा। यहाँ के ऋषि मुनियों की है, यहाँ राम तशरीफ लाए, राम पैदा हुए, लक्ष्मण पैदा हुए, यहाँ कृष्ण जी पैदा हुए। ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये असल में ऋषि मुनियों का, वलियों का देश है, ये सूफी संतों का देश है। आजा हम सबको चाहिए ये गंगा जमनी तहजीब हम सब में रहने चाहिए, और जितने दुश्मनान इंसानियत हैं ये अल्लाह हमको दफ़ा कर दे और बेहतरीन हमें हिदायत दे दे। तमाम भारतवासियों को मेरी तरफ से दुआएं हैं, मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ। या अल्लाह अमन और चैन कायम रहे, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वाह, ये हमारे गुप्ता जी कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, इंसान को ले कर चल रहे हैं। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इन्नल्लाहि मलाइकतुहु यसल्लु नबी या अय्युहल लजीना आमनू सल्लु तस्लीमा अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वा आला आलिहि वसल्लम। मुझे यही पता था कि मीर खां बावर साहब की मजार केवल दो जगह है, लेकिन हमारे साथ अभी जनाब हबीब साहब थे, इन्होंने हमें बताया कि मीर खां बावर साहब की मजार मीरगंज में जो कि बरेली जिले में आता है, इसके अलावा एक मीरगंज जो बिहार में है वहाँ पर, इसके अलावा एक जगह है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में किसी और नाम से है। चलिए हम उस मजार को चलते हैं जिस मजार की वजह से हमारे इस कस्बे का नाम मीरगंज पड़ा है। पहले मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा मैन जरा इस जामा मस्जिद की तस्वीर को दिखाने की कोशिश करें। ये मीरगंज की एक बहुत प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। जब जब कोई पर्व, कोई त्यौहार, ईद या कोई और त्यौहार आता है तो सैकड़ों की संख्या में हकीकतमंद यहाँ आते हैं, यहाँ आकर नमाज अता फरमाते हैं और उन्हें उससे उसका फल भी मिलता है। तो ये मीरगंज की बहुत प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। आप इसे देख रहे हैं कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया से इसको बनाया गया है। तो जो मस्जिद होती है, मस्जिद है, दरगाह है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बैठने के बाद में हमें बड़ा सुकून मिलता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मुझे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा शांति मिल रही, ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा जो कुछ खो गया था, मुझे कुछ परेशानी थी, वो शायद सब कुछ मिल गया है। अब हम धीरे धीरे हम उस मजार की ओर बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि यह मजार मीर खां बावर साहब की है और मीर खां बावर साहब के नाम पर ही इस जगह का नाम मीरगंज पड़ा है। मैं अपने कैमरामैन श्याम मजार आराम से दिखाते हूँ चले। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह मीर खां बावर साहब की मजार है। लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर आकर अगर कोई कुछ मांगता है तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जो इनके आगे मांगने पर कुछ मिला रहा हो, तो मैं भी चलो लगे आपको कुछ मांग लेता हूँ। मैं तो बस यही कहूँगा कि हमारा जो देश है, हमारा मीरगंज है, यहाँ के लोग खुश रहें, अगर उनको तकलीफ हो तो लोग उनकी तकलीफों से बचाए। मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो मजार है, मैं बता रहा था कि जो मजार है यहाँ पर केवल मीर खां बावर साहब का गढ़ है, सर इसका जो है वो बिहार के एक पटना में है। आइए मैं आपको जगह की ओर दिखाने की कोशिश करूंगा, जिस जगह पर जो हथिन इनको अपने साथ में लेकर आए थे। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा मैन मेरे साथ में है,
मैं इशारा करूंगा, मैं आपको वो हथनी भी वो जगह भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर ही है। यहाँ जब मैंने लोगों से बातचीत की, यहाँ जब मैं आसपास के लोगों से मिला, तो लोगों ने मुझे बताया कि जो मजार है, इस मजार के बगल में जो जगह पड़ी है खाली, यहाँ कहीं पर हथनी की कब्र है। क्योंकि बहुत पुरानी जगह है, तो बहुत पुरानी जगह होने के कारण जो हथनी की कब्र है वो शायद जमीन दोस्त हो चुकी है, कहीं ना कहीं मिल चुकी है, तो अब उसके कहीं निशान नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों का मानना यह है कि वो हथनी इतनी वफादार रही थी कि हमारे पास उस हथनी के लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, जो गुम्बद देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मजार है मीरखां बाबा साहब की। यहाँ पर आज भी जब जुमेरात का दिन होता है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, तो बहुत संख्या में लोग यहाँ पर चादर चलाने और मन्नतें मांगने आते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर आकर आज तक जिसने जो कुछ भी मांगा है, आज तक कोई व्यक्ति कभी भी यहाँ से निराश होकर नहीं निकला, कोई बंदा यहाँ से आज तक निराश होकर नहीं लौटा है। यहाँ मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है, बशर्ते आपको अपनी मुराद जब मांगे तो पूरा आपका मन साफ होना चाहिए। जब आप साफ नियत से कुछ मांगेंगे तो ऊपर वाला हमें देने से कभी मना नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, नमस्कार।